पर उनके परवरदिगार का गजब वाके होगा और दुनिया की जिंदगी में जिल्लत नसीब होगी। और हम इफ्तरा परदाजों को ऐसा ही बदला दिया करती हैं, और जिन्होंने बुरे काम किए फिर उसके बाद तौबा कर ली और ईमान ले आए तो कुछ शक नहीं कि तुम्हारा परवरदिगार उसके बाद बख्श देगा कि वो बख्शने वाला मेहरबान। जो कुछ उनमें लिखा था वो उन लोगों के लिए जो अपने परवरदिगार से डरते हैं हिदायत और रहमत थी। और मूसा ने उस मियाद पर जो हमने मुकर्रर की थी अपनी कौम के 70 आदमी मुंतखब करके कोहेतूर पर हाजिर किए। फिर जब उनको जलजले ने आ पकड़ा तो मूसा ने कहा कि ऐ परवरदिगार, अगर तू चाहता तो इनको और मुझको पहले ही से हलाक कर देता। क्या तू इस फेल की सजा में जो हम में से बेअक्ल लोगों ने किया है हमें हलाक कर देगा? ये तो तेरी आजमाइश है, इससे तू जिसको चाहे गुमराह रहने दे और जिसे चाहे हिदायत बख्शे। तू ही हमारा कारसाज है, सो हमें हमारे गुनाह बख्श दे और हम पर रहम कर, और तू सबसे। आखिरत में भी हम तेरी तरफ रुजू हो चुके, फरमाया कि जो मेरा अजाब है उसे तो जिस पर चाहता हूं नाजिल करता हूं, और जो मेरी रहमत है वो हर चीज को शामिल है। मैं इसको उन लोगों के लिए लिख दूंगा जो परहेजगारी करते और जकात देते और हमारी आयतों पर ईमान रखते हैं।